आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कवि ने श्री ब्रज दूल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है ब्रज दूल्हे, क्योंकि कवि यह मानते हैं कि सारी सृष्टि उन्हीं की लीला का रिजल्ट है, उन्होंने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है और श्री कृष्ण ही हर प्राणी के जीवन का आधार हैं और सभी में उनकी आत्मा जो है वह निवास करती है, इसलिए उन्हें सारे संसार का जो मंदिर है उसमें दीपक के समान कवि ने बताया है, इसलिए ब्रज दूल्हे शब्द का प्रयोग यहाँ पर कवि ने उनके लिए किया है। दूसरा हमारा प्रश्न आता है कि दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार से भिन्न है। परंपरागत वसंत जो ऋतु होती है उसमें रंग बिरंगे फूल हैं, चारों ओर फैली हरियाली है, नायिकाओं के झूले हैं, परंपरागत राग हैं, राग रंग आदि का कवि बखान करते हैं और वे नर नारियों के हृदय में उत्पन्न होने वाले प्रेम का भी वर्णन यहाँ पर करते हैं, लेकिन कवित्व में बसंत का जो चित्रण हुआ है वह बालक के रूप में किया गया है और कामदेव के बालक हैं, यह कवि ने कहा है कि बसंत जो है वो कामदेव के बालक हैं, सारी प्रकृति उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे कि छोटे बालक के साथ कोई व्यवहार करता हो। इससे कवि की कल्पना हमें यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है, कवि की कल्पना का परिचय हमें यहाँ पर मिलता है, इसलिए जो पुराने समय में बसंत का जो परिचय दिया जाता था, साधारण रूप से जो परिचय दिया जाता था उसमें चारों ओर हरियाली जो है उसका या नायिकाओं के भावों का वर्णन किया जाता था, लेकिन यहाँ पर कवि ने बाल रूप का वर्णन किया है कि किस प्रकार से बालक की तरह दिखाई दे रहा है वसंत ऋतु। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ जाता है कि प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए हम ये कहेंगे कि चट की जो ध्वनि होती है, जब पत्तियां सुबह सवेरे खिलती हैं तो एक ध्वनि आती है जिसमें चटकने की जो ध्वनि आती है, और यहीं पर बसंत रूपी जो बालक है उसे गुलाब जो है, गुलाब के फूल जो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को स्फटिक शिलाओं से बने हुए सुधा मंदिर में प्रकट किया है, यानी कि जो स्फटिक क्रिस्टल के जो पत्थर हैं उनमें एक मंदिर बना हुआ है उससे यहाँ पर तुलना की है और साथ ही यह बताया है कि दही के समुद्र में उत्पन्न तरंगों के रूप में दिखाई देती है। दही का समुद्र है उसमें जैसे लहरें उठ रही हैं उसी प्रकार से यहाँ पर रात की सुंदरता को बताया है। उसके बाद वह दूध के झाग के समान सर्वत्र फैलकर अपनी सुंदरता को व्यक्त करती है, यानी चांदनी जो है दूध के झाग की तरह भी उन्होंने बताई है। सारा आकाश उसकी चमक से जगमगाता है, चांदनी की चमक से जगमगाता है। चांदनी रात में चांदनी की तरह दमकती हुई राधा का प्रतिबिंब से ही चांद लगता है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि राधा जो है वो चांद के रूप में चमक रही हैं और चांदनी रात में ऐसा दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। कवि यहाँ पर यह सब रूप जो है चांदनी रात के हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें राधा का रूप बहुत सुंदर बताया है, अति सुंदर बताया है। चांदनी में नहाया हुआ राधा का रूप उज्जवल है, यानी बहुत चमकीला है। चंद्रमा की शोभा और चमक दमक उसकी अपनी नहीं है, खुद की चमक उसकी नहीं है, वह किससे चमक रहा है, वह राधा के रूप से चमक रहा है, यानी बिंबित कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वह इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कवि यह बताता है। उसके बाद हमारा प्रश्न आ जाता है कि तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो उपमान जो हैं वो लिए हैं फटिक सिलानी, उद्दी दधी, दूध को सोफेन यानी दूध के झाग जैसा, मोतिन की ज्योति, तारासी मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर, ये सभी उपमान जो हैं उनका प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है,
पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो देव जो थे रीतिकालीन आचार्य कवि थे और इनके काव्य में रीतिकाल कवि की कविता की जो भी विशेषताएं हैं वो सभी आपको मिल जाएंगी। और उसमें हमारी पहली इनकी विशेषता है श्रृंगारिकता, यानी श्रृंगार की भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं वह लिखते हैं और राधा कृष्ण के माध्यम से यह कविताएं लिखी जाती हैं। राधा की रूप माधुरी ने विशेष रूप से उनकी कविताओं को प्रभावित किया है, यानी कि राधा की सुंदरता उनकी हर कविता में दिखाई दे जाएगी। दूसरा जो उनकी कविता की विशेषता है वह है भक्ति भाव। चाहे वो श्रृंगारिक कवि थे लेकिन भक्ति भी उनकी कविताओं में पाई जाती है। वे वैष्णव थे और श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भाव को उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। उसके बाद जो उनकी कविता की विशेषता है वह है प्रकृति का चित्रण। प्रकृति को उन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग में लाया है, प्राकृतिक दृश्यों को भी उन्होंने अपनी कविताओं में संलग्न किया है। जैसे कि हम यहाँ पर एक कविता की कुछ पंक्तियाँ बता रहे हैं, डार द्रुमपलना बिछुना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे के की किर बरतावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। यहाँ पर जो बसंत ऋतु है उसे बालक के रूप में दिखाया है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कवि जो है प्रकृति चित्रण को भी साथ में लेकर के चल रहा है। कला पक्ष की हम बात करें तो काव्य को सफल बनाने के लिए वह कला का प्रयोग करते हैं और उनके प्रयोग जो हैं माधुर्य और प्रसाद गुण से युक्त हैं। मधुरता उनकी विशेषता है और अनुप्रास अलंकार जो है जैसे कि पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, इसमें अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हो, किटकिंकनी के धुनि की मधुराई, और इसमें उन्होंने साथ ही उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है। ब्रजभाषा की कोमल कांत शब्दावली का इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है, साथ ही तत्सम शब्दावली का भी ये प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं